आज हम बनाते हैं पालक पनीर। खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी ये लाभदायक होता है। तो चलिए बनाते हैं हम पालक पनीर। पालक पनीर बनाने के लिए हमने ये 250 ग्राम पालक के पत्ते लिए हैं, जिसे अच्छी तरह से धो लिया है। ये 100 ग्राम धनिया के पत्ते हैं, जिसे भी हमने पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। गैस ऑन करके इस पतीले में 1 लीटर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालते हैं पालक के पत्ते और धनिया के पत्ते। इस दोनों को थोड़ा हम सॉफ्ट कर लेते हैं, ज़्यादा इसे उबालना नहीं है। 2 मिनट में गर्म पानी में रहने के बाद पालक और धनिया दोनों के पत्ते सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसे हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। ठंडे पानी के इस बाउल में पालक और धनिया दोनों के पत्ते को डाल देते हैं। जब तक पालक और धनिया के पत्ते ठंडे होते हैं, तब तक ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए लिया है ये 200 ग्राम पनीर, 8-10 फली लहसुन के, 1 बड़े आकार के प्याज, 1 बड़े आकार के टमाटर, 1 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सबको हम बारीक काट लेते हैं। गैस ऑन करके रखते हैं इसके ऊपर हम पैन। पैन जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच सरसों का तेल। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई 1 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची भी थोड़ा चटक जाए तो इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए 1 इंच अदरक का टुकड़ा। ये भी थोड़ा पक जाए तो इसमें हम डालेंगे ये 8-10 लहसुन के फली, जिसे हमने बारीक काट लिया था। लहसुन भी अब थोड़ा फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज। प्याज जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें हम ये डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, और टमाटर के साथ भी हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। जब ये अच्छी तरह से टमाटर फ्राई हो जाएगा तो गैस को कर देंगे हम बंद, और इस मिक्सचर को करेंगे थोड़ी देर हम ठंडा, क्योंकि इसका हम पेस्ट बनाएंगे। पालक ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम इसका बना लेते हैं एक पेस्ट। ये पालक का पेस्ट बनकर के तैयार हो चुका है। प्याज टमाटर का मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है, तो अब इसका भी पेस्ट बना लेते हैं। पालक वाले पेस्ट में ही हम प्याज और टमाटर वाले पेस्ट को भी मिक्स कर लेते हैं। एक छोटा सा बाउल लेते हैं। इस बाउल में हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच सब्जी मसाला। इन मसालों में थोड़ा सा पानी डाल करके हम घोल बना लेते हैं। गैस ऑन करके हमने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। हमने उसी पैन का यूज किया है जिसमें हमने प्याज और टमाटर को फ्राई किया था। आप चाहें तो अलग पैन का यूज कर सकते हैं। पैन गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा। जीरा जब ये चटक जाए तब हम इसमें डालेंगे मसाले वाला घोल। इन मसालों को लो फ्लेम पर हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। मसाले जब हमारे फ्राई हो जाए तो हम इसमें डालते हैं पालक और प्याज टमाटर का पेस्ट। अब इन मसाले के साथ पालक के पेस्ट को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक हम पकाते हैं। मिक्सर के जार में जो थोड़ा सा मसाला और पेस्ट बच चुका था, अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको भी पालक में ऐड कर देते हैं। अब पालक को हाई फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए हम भून लेते हैं। पालक अच्छी तरह से भून करके तैयार हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच क्रीम, जिसे अच्छी तरह से मिला लिया है, और पालक में ऐड कर देते हैं। क्रीम डालते ही पालक के ग्रेवी को अच्छी तरह से चलाएं। पालक और क्रीम अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। पालक पनीर में नमक देते समय खास ख्याल रखें, जब क्रीम अच्छी तरह से पालक में मिल जाए तभी डालें, नहीं तो क्रीम के फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
ग्रेवी बनकर के तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसमें डालते हैं पनीर। पनीर के साथ ही इस ग्रेवी में डालेंगे आधा कप पानी और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। गैस का फ्लेम लो करके इसे ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि मसालों का फ्लेवर पनीर में आ जाए। 5 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा पनीर बन करके तैयार हो चुका है। गर्मा गर्म पालक पनीर बन करके तैयार हो चुकी है। आप इसे चावल, रोटी, पराठे, किसी भी चीज़ के साथ खाएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल पीजीज किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।